वेलकम टू शॉपिंग करो ना। तो अगर आप मिस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करना बाहर शॉप्स में मॉल्स में, तो इतनी शॉपिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक साथ इतनी शॉपिंग की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ भी खरीद लें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बताती हूँ कि हमें करना क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग करते करते समझना आए क्या लेना है क्या नहीं, इसे मंगवाएं या ना मंगवाएं, यूज करने पे ये कैसे निकलेगी अच्छी या बुरी, उस सब बातों का एक ही सॉल्यूशन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन हिट करें। और मैं आपको यहाँ बताऊंगी आपके मन प्रोडक्ट्स के रिव्यू। सारी दुनिया ऑनलाइन है तो हम क्यों पीछे रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग करो ना। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट जो हर घर में काम आएगा, और स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर इस वक्त मॉनसून का टाइम चल रहा है जब बाहर बारिश होती है और आपको अपने कपड़े सुखाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने बालकनी में या फिर आप अपने रूम में इस तरीके से आप अपने कपड़ों को सुखाते हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं तो आपको पता होगा बच्चों के सॉक्स हो गए, पैंट्स हो गए, छोटे और छोटे बच्चे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हैंकीज़ हो गए, बहुत गंदे होते हैं, कई सारे छोटे छोटे आइटम्स होते हैं। तो ये है आपका क्लोथ जो है हैंगर विथ क्लिप्स। तो ये देखिए, तो ये मल्टीपर्पज डिस्प्ले होल्डर फॉर हैंगिंग पाउचेज, फॉर डिस्प्ले ऑफ वियरिंग्स एट शोरूम, फॉर ड्राइंग चिल्ड्रंस वेट क्लोथ्स। तो इस तरीके की ये इसमें क्लिप्स होते हैं राउंड, तो ये आप देख सकते हैं किसी में 30 क्लिप्स के होते हैं, कोई 20 क्लिप्स की होती हैं, कोई 26, 36, तो नंबर ऑफ क्लिप्स जो है वो इंक्रीज होती रहती है और आपको डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेप्स में भी मिल जाएगा। जैसे ये राउंड शेप का है और ये आपको राउंड शेप का है, इसके साथ आपको किस जो राउंड शेप है वो मिल रहा है ना। और ये देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर शेप का है, तो आपको राउंड स्क्वायर दोनों शेप का मिल जाएगा। कलर देख सकते हैं आप, ब्लू है, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं इसे। और इस समय जो मॉनसून का सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न, इस वक्त तो इस चीज़ की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर घर को ज़रूरत होती है, ताकि आप इजली इसे कहीं भी एक जगह कई सारे छोटे छोटे क्लोथ्स हो गए, आप अपने अंडर गारमेंट्स सॉक्स वगैरह इजली हैंग कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके अलावा आप इसे किचन में भी रख सकते हैं, ताकि आप इसमें बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों को भी हैंग कर सकते हैं। तो नॉट ओनली फॉर क्लोथ्स, ये मल्टीपर्पज यूज़ का होता है, तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों में जैसा आप चाहें। तो इसका एक ये यहाँ से हुक निकला हुआ था, ये इस तरीके से लगेगा ये, तो ये इजीली लग भी जाता है और निकल भी जाता है। और इस तरीके से ये हुक है, तो इसे आप इसे हैंग कर सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके का ये राउंड शेप में है, तो ये 24 क्लिप्स का है इस तरीके से, काफ़ी बड़ा है। इसमें आप इजीली अपने, अभी इस तरह विंटर में कपड़े नहीं सूखते हैं और मॉनसून के समय कपड़े नहीं सूखते हैं, तो आप इस तरीके से कपड़ों को इसमें, जैसे सॉक्स हो गए, आपके हैंकी हो गए, इस तरीके की चीज़ों को आप इसमें रख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसमें कई सारे पेयर आ जाएंगे, अपने अंडर गारमेंट्स हैं तो वो एक ही जगह पे स्पेस नहीं लेते हुए एक ही जगह पे आप इसे हैंग कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे मल्टीपर्पज़ यूज़ में ले सकते हैं, इसमें नमकीन के पैकेट्स या कुछ और पैकेट्स बना के भी जो मिलते हैं वो अपने किचन में टांग सकते हैं, है ना। और चाहे तो और भी डिफरेंट यूज़ आप इसका कर सकते हैं। मेनली लोग इसे यूज़ करते हैं
छोटे बच्चों के कपड़े कपड़े के लिए, उनके ही छोटे छोटे क्लोथ्स होते हैं, तो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके बहुत सारे कपड़े निकलते हैं, तो मेनली ये क्लोथ होल्डर, क्लिप होल्डर उसे ले काम आता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, बस आप इसे एकदम धूप में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये 36 क्लिप्स का है, लेकिन इसका अगर आप कंटिन्यूसली धूप में रखेंगे तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की चीज़ें धूप में क्रैक हो जाती हैं। तो आप यूज़ करने के बाद इसे आप अंदर रख लीजिए, कहीं और शेड में रखिए, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें धूप में रखने से ख़राब हो जाती हैं। तो इससे आपका ये ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला है इसकी प्लास्टिक, और वैसे भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो आप जैसा शेप चाहें वैसा शेप कलर आपको मिल जाएगा, जितनी क्लिप्स की चाहें, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज़्यादा ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।